गर्मी बहुत है गाइस, जूस और मेरा गला ना ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है जैसे बैठ गया। इसने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है, पता नहीं ना रील बनाने दे रहा ना कुछ और करने दे रहा। और जब मैं पूछ रही हूँ हो क्या रहा है तो बोल रहा है मेरे सर में दर्द हो रखा, और अभी मेरे से बोल रहा है मैं बाहर जा रहा हूँ, तेरे लिए मौसम्बी क्या लाना है, मौसम्बी जूस। हाँ मौसम्बी जूस लेके आना है तो बता, अदरवाइज कुछ नहीं। अब यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको हो क्या रहा है, आज सुबह से अजीब सा हो रखा। वैसे उठे भी हम लोग आज 12 बजे थे हम लोग। हाँ दोनों ही। यार तूने क्या किया पहले उठ के बता। मैंने 8:50 पे उठा था तुम, और फिर क्या किया तूने? 8:50 से मैं उठा लगभग 10:30 बजे तक। और फिर क्या किया? कुछ काम है जो डेली रूटीन काम करता हूँ आजकल वो किया, और मैं फिर सो गया वापस। गाइस वो तो गया बाहर। अभी मैंने अभी जो रील बनाई थी मैं वो रील डालूंगी इंस्टा पे, और उसके बाद मैं तो अभी कुछ करने वाली नहीं हूँ। रूम बहुत फैला हुआ है, ऑब्वियस है अमित गया है तो फैला के गया है। बेड पे भी कपड़े उसके और टेबल भी पूरी भरी हुई है उसकी, तो मुझे वो थोड़ा साफ करना है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, रेस्ट करने के बाद तब तक शायद वो भी आ जाए जूस लेके, तो फिर जूस पीने को मिलेगा। और कल तीज है तो देखते हैं कल क्या करेंगे, कल का क्या प्लान है अभी तक तो कुछ पता नहीं। अमित का भी और मेरा भी दोनों का कुछ नहीं मालूम कल का क्या प्लान है। बाकी कल उसकी ड्यूटी भी हो सकती है, छुट्टी भी नहीं हो सकती, तो पता नहीं क्या है आज ना गाइज। मैं तो सुबह में उठी नहीं, आज हम दोनों ही लेट हो गए। अमित उठा था शायद, जैसे उसने बताया कि वो 8 बजे या 9 बजे, क्योंकि उसकी क्लास होती है उस टाइम पे, तो वो क्लास लेने के लिए उठा होगा। उसके बाद फिर मैं जब उठी हूँ, मैं 12 बजे उठी हूँ, और 12 बजे उठ के मैं सीधा शावर लेने गई, शैम्पू किया, उसके बाद फिर मैंने झाड़ू किया मोटा मोटा, आज मैंने पोछा नहीं लगाया, झाड़ू झाड़ू किया है। फिर मैं किचन में गई, मैंने अमित को बोला कि चलो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। मैंने देखा कि कॉफ़ी ख़त्म हो रखी थी, और कॉफ़ी से मुझे याद आया कि मुझे अमित को कॉल करके बोलना है कि कॉफ़ी लेके आनी है। वो मेरे से पूछ के गया था कि अगर कुछ ख़त्म हो रखा है तो मेरे को बता देना, मैं वो लेता आऊँगा। तो अभी मैं उसको कॉफ़ी बोलूँगी। आज हमने चाय पी है सुबह में, और चाय पीने के बाद फिर मैंने अमित को बोला, मैं कहा यार आज क्या खाएंगे, क्योंकि पता है गर्मी में ना यहाँ पे कोई सब्जी या फिर कुछ ऐसे स्पेशल आ नहीं रहा है मार्केट में भी, ना फ्रूट ना सब्जी कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला क्या खाएगा, वो बोला बना ले कुछ भी। मैंने बोली मैं कहा ठीक है दाल बना लेती हूँ, बोला ठीक है दाल बना ले। मैंने पूरे 1-1.5 घंटे तक किचन में काम किया, दाल बनाई, रोटी बनाई, 6 या 7 रोटी बनाई थी मैंने, गाय की रोटी बनाई थी। तो हम दोनों ने मिलके भी 3 रोटी नहीं खाई है पूरी। मैंने जब उसे पूछा कि यार जब तेरे को रोटी खानी नहीं थी तो मुझे क्यों गर्मी में मारा, मैं कुछ हल्का फुल्का बना लेती, मैगी या फिर कुछ और, तो वो बोला मैंने सोचा भाई तूने मुझसे पूछा क्या बनाऊं तो मैंने तेरे को बता दिया कि बना ले तू दाल, बस खाना खाता नहीं है। फिर मैं पूछा कि भाई क्यों नहीं खाया, बोला अब तक मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ तो मेरा मन नहीं हो रहा है खाना खाने का। फिर उसके बाद वो अभी जब मैं रील बनाने के लिए तैयार हुई तो उस टाइम पे वो नहाने गया, नहा के और फिर अभी बाहर निकला है, और अब देखो कब आएगा, कितनी देर में आएगा। अभी 4 बजे हुए हैं, मैं उसका वेट कर रही हूँ, देखूंगी। बाकी पहले कॉल करके बोल देती हूँ उसको कि कॉफ़ी लेके आनी है। ठीक है गाइस मिलती हूँ उसके आने के बाद, देखती हूँ क्या क्या लेके आएगा। मैं आवाज लगा रही हूँ अंदर कमरे से, लाड्डू लाड्डू, और लाड्डू आके बोला भी नहीं है। क्या क्या लाया? अरे ये क्या क्या लाया, और कितना सामान फैला दिया। अच्छा इसमें जूस है, तूने पी लिया या फिर दोनों का लेके आया? अरे मौसमी है साथ में, तो क्या करने लगा ये? वैसे परेशान हुए हो क्या, आया बाहर से गर्मी में, और वैसे कुछ नहीं, और तू मेरा सामान नहीं लेके आया, तुझे ना पता हो मैंने जो कॉल करके तुझे बोला था। गदर टू आ गई, चल गर्मी बहुत है गाइस, जूस मेरे लिए आ गया, मैं भी जूस पीऊंगी। लाइट बंद कर रही हूँ इधर की बाहर की, चलते हैं अंदर। ये शीतल दीदी जो जलेबी लेके आई थी ना, ये उसकी लास्ट जलेबी है ना, और कितने दिन तक खाई है हमने। ये पायरेसी वालों का फिर अलग ही ट्रेंड रहता है। क्या
अभी गदर ठुआई दिया, अभी यूट्यूब पे डाल रखे किसी ने तो देख लेना। और प्रिंट भी इतना बुरा नहीं है, ठीक है हाँ, जैसे पुरानी मूवीज होती थी वैसा। लेकिन ये तो खाली गदर है, गदर वन है ये तो, गदर टू नहीं है। अच्छा नहीं नहीं गदर टू है भाई। कैसे पता ये गदर टू है? ये देखो, जब इंसान के पास कुछ काम करने को नहीं होता तो उसकी हालत ये होती है। वैसे जैसे वैसे हम सुनो अभी, वैसे हम कुछ बोले कि भाई तुम कुछ मतलब व्लॉग कर लो या फिर कुछ और कर लो, तो बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं मैं नहीं, और वैसे पूरा दिन ऐसे बिठा दो। मैंने ना एक कल एक काम बहुत गलत करा, पता क्या, या टेबल इधर लाके, या टेबल मुझे उसी रूम में डालनी पड़ेगी ले जाके। मैं आदि पुरुष मूवी देख रही थी, तो उस टाइम पे मतलब मैं रात में क्या, मैं सुबह में देख रही थी जब ये ड्यूटी से आया, मैं सोई नहीं थी रात भर, तो उस टाइम पे इसने मुझे अगर मैं थोड़ा सा भी कट कर रही थी तो मुझे इतनी सुना रहा था बहुत ज्यादा। और अभी खुद मूवी देख रहा है और उसे कट कर रहा है, उसका एक सीन भी नहीं देखने दिया, और मेरे को बोलता है कि तू इतना कट कर रही है, इतना कट करके देख रही है। और जो इतनी वाहियात मूवी थी रात, और जिसकी डिलीवरी डायलॉग डिलीवरी भी इतनी गंदी थी और इतना सब था, वो मूवी देख के बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था उसे देखने में। मेरे अकॉर्डिंग वो मूवी ठीक है यार, ज्यादा बुरी नहीं है थी वो, बट मेरे क्योंकि हम लोगों ने बचपन से लेके आज तक जब भी रामायण देखी है तो वो प्रॉपर वे में देखी है। जैसे वो टीवी पे आती थी वो वाली रामायण, हमने पूरी रामायण कभी 2 घंटे में देखी नहीं है यार, 2-2.5 घंटे में तो प्रॉपर चीजें थोड़ी दिखा पाएंगे वो। अरे यार उसमें ना डायलॉग मॉडर्न बोल रखे थे। हाँ तो कुछ चीजें मॉडर्न करेंगे तो फिर मॉडर्न ही बोलेंगे वो। जूस पीएगा? नहीं, उन्होंने वो प्रॉपर रामायण नहीं, ये उन्होंने उसको क्रिएट किया है सिर्फ मूवी के बेस पे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लैपिंग, क्लैपिंग। और मेरा गला ना ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है जैसे बैठ गया, मैंने अभी जूस पिया है मौसम्बी का। हाँ फिर से आवाज सही आई अब, और चलो बाय बाय तब तक के लिए। गाइस मैंने ना अमित से अभी अमित को मार्केट भेज के 10 बजे हुए हैं, ये कीप मंगाई है मेहंदी की, मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि कल तीज है। मैं ऊपर घूम रही थी, छत पे टहल रही थी, तो नीचे वाली भाभी वो हम दोनों घूम रहे थे, तो कोई बाइक पे लेडीज आई मेहंदी लगवा के हाथों पे, तो उसे देख के हमारा दोनों का मन हुआ। उस टाइम पे हमने आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि हम मेहंदी लगाएंगे या हम मेहंदी मंगवा रहे हैं। अमित आया था तभी बाहर से, मैंने अमित को बोला कि यार मुझे मेहंदी मंगवानी है, भाभी नीचे चली गई थी, और एकदम से भाभी का कॉल आया अमित के पास, भाभी ने भी बोला मुझे मेहंदी मंगवानी है। नहीं, उस टाइम पे भाभी ने ये नहीं बोला कि मुझे मंगवानी है, भाभी ने बोला भैया बाहर हो या घर पे हो, तो उसने बोल दिया मैं घर पे हूँ। मुझे लगा कि भाभी को भी शायद कीप मंगानी है, तो अमित को फिर भाभी, मैंने अमित को बोला कि एक बार भाभी से पूछ के जाना जब बाहर जाए कि क्या काम था, तो भाभी को भी सेम ही काम था, मेहंदी की कीप। और अब हमारी आ गई है, मैं अभी नहा के आई हूँ, अमित अभी नहाने जाएगा, इस हाथ पे मैं खुद लगा लूंगी, बाकी इस हाथ पे शायद मैं अमित से लगाऊंगी, हल्की फुल्की हाथ हिला रहा है दूर से लेट के ही, अभी दिखाऊंगी मैं, रुको। मैं ही लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाएगा? मेरी पहली टर्म और कंडीशन यही थी, मैं लेके आऊंगा तो मैं नहीं लगाऊंगा। ऐसे कैसे टर्म्स कंडीशन? क्योंकि मुझे सोना है, मैं आज दिन में कुछ खास अच्छी नींद ले नहीं पा, सारा दिन तो सोता है, जल्दी से जल्दी सोना है, सारी रात सोता है, जितनी मैं सोई हूँ उतना ही तू सोया है, ठीक है, ठीक मुश्किल से 1 घंटे का फर्क होगा बस। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के बाद सोने, और मैं बिल्कुल नहीं एक हाथ पे, तो मैं बिल्कुल लगवा के रहूंगी इस हाथ पे, तो मैं नहाने भी नहीं जा रहा हूँ। नहीं ऐसी थोड़ी है यार, ढोंगी इंसान लाते यार, उठ जा। अगर तुझे मेरे से अभी कॉफी बनवानी है तो कॉफी भी बनवा ले, ठीक है, और अगर तुझे मेरे पे कुछ भी बनवाना है अभी कुछ भी बनवा सकता है, मेरे दोनों हाथ खाली है। बट जो थोड़ी देर बाद तूने मेरे को एक बार भी ये बोला ना कि तू कॉफी बना दे या तो चाय बना दे, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, पहले ही बोल रही हूँ भाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सोना है, और इसको चाहिए थोड़ी देर में बोलेगा, अभी 5 मिनट बाद ही अभी मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे सोने दूंगी मैं, है